हरियाणा में आज सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। सबसे पहले सीएम योगी भिवानी पहुंचे। सीएम योगी की दूसरी रैली हिसार में थी और वहीं तीसरी रैली नारनौंद में, तो चौथी रैली पंचकुला में हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम हांसी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में है। राम लक्ष्मण की वेशभूषा में है, कोई भी रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में नहीं है। लगता है जनता ने तय कर लिया है कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को ही रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जुबानी हमला भी बोला। हरियाणा के हांसी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें कहा कि छोटे छोटे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में हैं, राम लक्ष्मण की वेशभूषा में है, कोई भी रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में नहीं है। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को ही रहना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हो। अभी जैसे मैं आया यहां पे राम दरबार के दर्शन मुझे सामने सामने हो गए। छोटे छोटे बच्चे कोई राम के वेशभूषा में, कोई लक्ष्मण की, कोई माता सीता की, कोई हनुमान जी के, ये सबके वेशभूषा में है, कोई गुरु वशिष्ठ के वेशभूषा में, लेकिन कोई रावण के वेशभूषा में नहीं था। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। सीएम ने ये भी कहा कि कांग्रेस जो काम 65 वर्षों में नहीं कर पाई, बीजेपी ने मात्र 2 वर्ष में करके राम मंदिर बनवा दिया। राम की संस्कृति को कोसने वाला व्यक्ति वही होगा जो रोम की संस्कृति को मानता होगा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। राम लला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। देखिए, कोरोना के समय राहुल गांधी कहीं नहीं दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा कर रहे थे। देश के संकट के समय राहुल गांधी को 140 करोड़ भारतीय नहीं, इटली की नानी याद आती थी। ये तमाम स्टेटमेंट दिया। जो संकट के समय आपके साथ खड़ा नहीं होता उसको चुनने की गलती मत करना। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस है, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। कांग्रेस और माफिया एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। ये लोग गठजोड़ कर जनता जनार्दन का शोषण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया जेल चले गए या जहन्नुम चले गए। उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, वहां सब चंगा है। आतंकवाद की जननी कांग्रेस, उग्रवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और माफिया और कांग्रेस तो ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चोली दामन का इनका साथ हो गया है। वह माइनिंग माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के साथ इनका गठजोड़ है। ये जनता जनार्दन का शोषण करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। हरियाणा के अंबाला से इसकी शुरुआत हुई।
कांग्रेस ने दलित वोट में सेंध लगाने और वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए यात्रा की रणनीति अपनाई है। दरअसल हरियाणा चुनाव में बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में है। साथ ही वो जनता के बीच ये संदेश दे रही है कि वोट कांग्रेस को नहीं हुडा को जाएगा। इसी नैरेटिव को कांग्रेस तोड़ना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा निकालने की तैयारी की गई है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की टीम ने राहुल गांधी को इस बात की रिपोर्ट दी थी कि बीजेपी शैलजा हुडा की अंतर्कलह का फायदा उठा रही है और दलितों के बीच जाट समर्थक होने का संदेश फैला रही है। वो हुडा विरोधी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने, हुडा की रैली में कथित तौर पर शैलजा के खिलाफ अपशब्दों के वायरल वीडियो को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। हुडा सरकार के वक्त दलितों पर अत्याचार के मिर्चपुर और मोहाना कांड की याद दिला रही है। ऐसे में रिपोर्ट मिलने के बाद राहुल की टीम ने ये रणनीति बनाई कि आखिर के 3 दिन में यात्रा कर दलित वोट को बिखरने से बचाया जाए और चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट ना होने दिया जाए। राहुल ने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी करनाल की असंध सीट के साथ की, जो कि शैलजा कैंप के उम्मीदवार के लिए की गई थी। इसमें कांग्रेस मंच से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने अपनी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत भी अम्बाला से की, वो भी कुमारी शैलजा का गढ़ माना जाता है। यात्रा से पहले और उसके पहले दिन चुनावी सभा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुडा एक मंच पर एक साथ मौजूद नजर आए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा के अम्बाला में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और युवाओं से सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और स्कैम का मुद्दा उठाया। देखिए उन्होंने वहां क्या कुछ कहा। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपका सामने, आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज मेरे बड़े भाई राहुल जी, जिन्होंने पूरे देश भर में यात्रा की, जो आपके लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं, जो दिन रात आपके लिए, आपकी एकता के लिए, आपके सम्मान के लिए काम करते हैं, हुडा जी बैठे हैं, शैलजा जी बैठी हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं, सब आप ही के लिए समर्पित हैं। हरियाणा को मजबूत बनाने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करिए, इस चुनाव में दिखाइए। वही मन से हुडा शैलजा के हाथ मिलाकर के राहुल ने एक बार फिर से एकजुटता का संदेश दे डाला। जनसभा में राहुल गांधी की कुछ बड़ी बातें जो आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए सबसे पहले अम्बाला में किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दलित वोट बैंक साधने के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा बनाया। शैलजा और हुडा का हाथ मिला करके एकजुटता की तस्वीर दिखाई। रैली में कहा कि बीजेपी ने हरियाणा को धोखा दिया है, यहाँ की जनता के साथ अन्याय किया गया। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। चुनावी रथ यात्रा बालस से शुरू होकर के दक्षिण हरियाणा के ज्यादातर विधानसभा से होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने जीतने की संभावनाएं वाली सीट पर फोकस करते हुए यात्रा का रूट मैप भी पूरी तरीके से तैयार किया है। राहुल की यात्रा का रूट मैप क्या होने वाला है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी की यात्रा अम्बाला से शुरू हुई है और कुरुक्षेत्र पहुंची। दूसरे दिन राहुल की यात्रा बहादुरगढ़ से शुरू होगी। इसका समापन गोहाना में होगा और ये यात्रा 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन यात्रा में ब्रेक लगेगा। 3 अक्टूबर को आखिरी चुनावी प्रचार के लिए दक्षिण हरियाणा से ये यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस हरियाणा में तमाम जातिगत समीकरण और जिताऊ सीटों पर फोकस करके अपनी जीत पक्की करना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी इस समय यात्रा के जरिए लोगों को साधने में जुटे हुए हैं। देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बाकी उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। पार्टी ने विरोधी गतिविधियों में शामिल 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 8 नेताओं को पार्टी से निकाला है उनमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी ने पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य और गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे देवेंद्र कादियान को भी रास्ता दिखाया।
इसमें पहले कांग्रेस ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत कर चुनाव लड़ रहे 24 बागियों को पार्टी से निष्कासित किया। हरियाणा बीजेपी जिन 8 बागियों को पार्टी से निकाला है उनमें कौन कौन मुख्य रूप से शामिल है ये बता देते हैं आपको। रानिया से रणजीत सिंह चौटाला, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, असंध से जीदेराम शर्मा, सफीदो से बच्चन सिंह, आर लाडवा से संदीप गर्ग, गुरुग्राम से नवीन गोयल, महम से राधा अहलावत, हथीन से केहर सिंह रावत। इन सभी बागी नेताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की थी, लेकिन पार्टी ने रणजीत सिंह चौटाला का टिकट नहीं उन्हें दिया। उनकी जगह शीशपाल कंबोज को उम्मीदवार बनाया गया। इससे नाराज रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र कादियान गन्नौर विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस सीट से देवेंद्र कौशिक को उम्मीदवार घोषित किया। इससे नाराज कादियान ने गन्नौर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बने वो, महम इलाके से टिकट नहीं मिलने से नाराज राधा अहलावत निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। राधा अहलावत के पति शमशेर खरकड़ा इनेलो से भाजपा में आए थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी राधा अहलावत के लिए टिकट की मांग की, लेकिन पार्टी ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को उम्मीदवार बनाया जिससे वो नाराज हैं। ऐसे में पार्टी ने चुनाव के एक हफ्ते पहले बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वहीं हरियाणा चुनाव में बागी नेता कांग्रेस का सिरदर्द बन चुके हैं। पार्टी ने अब तक 24 बागियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया। दरअसल ये वो नेता है जो कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं, लिहाजा कांग्रेस ने अब तक 24 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। शनिवार को भी 5 पूर्व विधायकों समेत 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया। कार्रवाई के बाद भी कई नेता ऐसे हैं जो कि मैदान में डटे हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को ही चुनौती दे रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इसमें 24 लोगों का नाम शामिल है। शनिवार को 8 नेता पार्टी से निष्कासित किए गए, 5 पूर्व विधायक समेत 8 नेता निकाले गए हैं। बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर, पानीपत सिटी से पूर्व एमएलए रोहिता रेवाड़ी, नीलोखेड़ी के पूर्व एमएलए राजकुमार वाल्मीकि, हथीन सीट से पूर्व विधायक हर्ष कुमार, तिगांव से पूर्व विधायक ललित नागर, उचाना कला से वीरेंद्र गुगड़िया। अब तक कुल 24 बागियों की छुट्टी कांग्रेस कर चुकी है। देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अब करीब आ रहा है नेताओं के आरोप प्रत्यारोप भी तीखे होते जा रहे हैं। कैथल के ब्राह्मण समाज सम्मेलन में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों को मार करके योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हुआ है। बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व, एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना। देखिए ये बात कांग्रेस के नेता सुरजेवाला भले ही कह रहे हों कि ब्राह्मण को बीजेपी खत्म कर रही है, लेकिन अब आपको हरियाणा में टिकट बंटवारे की एक और तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में हरियाणा में ब्राह्मण को किसने ज़्यादा तवज्जो दिया है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के कितने उम्मीदवार हैं ज़रा वो आप देख लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के जो ब्राह्मण नेता हैं वो कितने कितने हैं ये जरा यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी की तरफ से 11 ब्राह्मण नेता है, वहीं कांग्रेस की तरफ से 5 ब्राह्मण नेता है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। ये पूरा समीकरण बनाया जा रहा है क्यों? क्योंकि चुनावी माहौल गर्म है। दरअसल हरियाणा में हमेशा कांग्रेस जाट केंद्रित राजनीति करती रही है, जबकि बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट राजनीति को ज्यादा तवज्जो दिया। मिसाल के तौर पर अगर देखिए तो हरियाणा में 9% पंजाबी खत्री वोटर को 11 टिकट दिया गया, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 6 टिकट दिया। वैसे कांग्रेस को जाट आबादी वाले प्रत्याशियों पर भरोसा हमेशा से ज्यादा रहा। हरियाणा किसकी कितनी आबादी है वहां पे वो भी आपको बताते हैं। जाट 25%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, यादव 5.14%, वैश्य 5%, गुजर 3.35% और जाट सिख है 4%, राजपूत है 3.4%, सैनी है 2.9% और बिश्नोई की संख्या है 0.7%। ये पूरा एक जातीय समीकरण है जो इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको हरियाणा के मजहबी समीकरण को भी जरा समझा देते हैं। हरियाणा का मजहबी समीकरण क्या कहता है?
हिंदू है वहां पर 87.5%, मुस्लिम आबादी 7% और सिख आबादी हो गई 5%। वही हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार कांग्रेस को हराने के लिए एक अलग तरीके से उम्मीदवारों का चुनाव किया है। बीजेपी ने अपने करीब आधे मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया, यानी कि 2019 में जीतने वाले 40 में से सिर्फ 23 को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने अपने 29 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। भाजपा ने 2019 में हारने वाले 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन 60 से अधिक नए चेहरे हैं जो कि पिछली बार जीती और हारी हुई दोनों सीटों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इन नेताओं को दोबारा रिपीट भी किया है। कौन कौन से नेता हैं वो? अंबाला छावनी से पूर्व गृहमंत्री अनिल विज, टोहाना से राज्य मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, लोहारू से कृषि मंत्री जेपी दलाल। तो ये वो तमाम नेता है जिन्हें रिपीट किया है बीजेपी ने। हालांकि 60 नए उम्मीदवारों में से कुछ ने प्रसिद्ध नेताओं की जगह ली है, जिनमें से राय सीट पर हाल ही में नियुक्त हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहनलाल बडौली, बड़खल में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, बावल में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल और नलवा में पूर्व डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा शामिल हैं। मनोहर लाल ने सीएम के रूप में फिर से पदभार संभालने और लोकसभा में जाने के बाद अपनी करनाल सीट खाली कर दी। वही पूर्व राष्ट्रीय हॉकी कप्तान और राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह तस्वीर के बाहर है, जिन्होंने यौन उत्पीड़न के एक मामले के बाद 2023 में विधानसभा से इस्तीफा दिया था। बीजेपी का नए उम्मीदवारों पर इस बार दाव है, जिसमें गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव हैं। आरती राव को बीजेपी ने अटेली से चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने आदमपुर से भव्य विश्नोई को उम्मीदवार बनाया। तोशाम से श्रुति चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। महम से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुडा मैदान में है। जिन 60 सीटों पर भाजपा ने नए उम्मीदवार उतारे, उनमें 2019 की 18 वो सीटें भी हैं जिन सीटों पर बीजेपी पहले जीती थी। 4 सीटों पर बीजेपी ने 50% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 1 सीट पर हारे हुए उम्मीदवार को फिर से मैदान में उतारा है। अब आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई पूर्व कांग्रेस लोकसभा सांसद कुलदीप बिश्नोई के बेटे और लालगढ़ में 3 बार सीएम रहे भजन सिंह के पोते हैं। भव्य ने 2022 में होने वाले उपचुनाव में ये जो सीट है वो जीते। वही तोशाम सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी है, जो कि कांग्रेस की दिग्गज नेता थी। इस साल जून में बीजेपी में वो शामिल हो गई थी। वही कांग्रेस की रणनीति भाजपा के विपरीत है। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने 31 विजेताओं में से 29 को दोहराते हुए बड़े पैमाने पर पाठ्यक्रम जारी रखने का विकल्प चुना। पार्टी ने पिछली बार हारने वाले 17 उम्मीदवारों को भी फिर से मैदान में उतारा। इनमें से 43 नए उम्मीदवारों के नाम दिए हैं और भिवानी में CPIM उम्मीदवार का समर्थन भी कांग्रेस कर रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति में सीटों का बंटवारा रुक गया। उम्मीदवारों की घोषणा में देरी के कारण महायुति इसकी चपेट में आ गई। प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाने के कारण महायुति को कई सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में महायुति उसी गलती से बचने की कोशिश कर रही है, इसलिए सीट बंटवारे को लेकर के कल यानी कि शनिवार रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा बंगले पर बैठक हुई। बैठक रात 3 बजे के करीब खत्म हुई, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, NCP सांसद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव में सामंजस्य बनाए रखने, जनहित के फैसलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर चर्चा बनी हुई है और इस बैठक में जल्द से जल्द सीट बंटवारा सुलझाकर अभियान शुरू करने की रणनीति तय की गई। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी, मेरे साथ ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, कल जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, महायुति लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूले हैं वो तय कर लिए जाए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं उनके मन में कहीं कहीं आशंका हो रही है। और इसके पहले कि आपको बता दें कि अमित शाह का जब पुणे दौरा हुआ था उस दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि महज 2 दिन का वक्त है, 2 दिन के अंदर जो है सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है महाराष्ट्र के 288 विधानसभा चुनाव का उस पर आपसी सहमति हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इशारा किया था कि वह 2 दिन के बाद फिर महाराष्ट्र दौरे पर आ रहे हैं। कल मुंबई वह दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सहित महायुति के तमाम नेताओं के साथ वह बैठक करेंगे। लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि करीब 80% जो है आपसी सहमति बन गई है, 20% अभी भी खींचतानी है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के तौर पर इस विधानसभा चुनाव में जो है ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जो है ख्वाहिश रखती है, तो दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी भी वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वह चुनाव में लड़े, क्योंकि
विदर्भ और मराठवाड़ा का ज्यादा फोकस दोनों पार्टियों का है, और इसी वजह से शिवसेना एक नाथ शिंदे गुट भी चाहता है कि कम से कम 24 सीटें उन्हें जो है मराठवाड़ा विदर्भ से मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर जो है उन्हें थोड़ा से पीछे रखना चाहती है। यही वजह है कि अभी तक जो है जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है। चलिए, अभी चुनाव को लेकर के सत्यप्रकाश तैयारी एकदम तेज है महाराष्ट्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। तो महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव, और इसको लेकर के जो पार्टी है वो कमर कस रही है।